बच्चों नमस्कार। आज हम पुनः आवर्ती वर्गीकरण का जो शेष भाग था उसको पूर्ण करेंगे। पिछले लेसन में हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी को देखा था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो कि मेंडलीफ के नियम पर आधारित थी, जिसके अनुसार तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इस नियम के आधार पर तत्वों को जब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जमाया तो समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई, और इस आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया जिसे नाम दिया गया मेंडलीव की आवर्त सारणी। बच्चों यहाँ पर जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, यह है मेंडलीव की आवर्त सारणी। और मैं पुनः नई विषय वस्तु को पुराने से जोड़ दूं, इसलिए दो मिनट में हम इसको रिवाइज करेंगे। मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में जमाया, और इसके लिए उन्होंने एक टेबल बनाई जिसमें जो खड़ी लाइनें थीं वो वर्ग या समूह कहलाई, और जो आड़ी लाइनें थीं वो आवर्त कहलाई। समूहों की संख्या थी 8, एक से लेकर के 7 तक जो समूह थे उनको उपसमूह ए और उपसमूह बी में बांटा, और दोनों स्थानों पर तत्वों को रखा गया। समूह 8 में 3-3 तत्वों को एक साथ रखा गया। क्योंकि निष्क्रिय गैसों की खोज बाद में हुई, हीलियम, नियॉन, अर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान, मेंडलीव के समय में इन निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इस कारण से मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रारंभ में इनको स्थान नहीं दिया गया था। और जब इनकी खोज हुई तो इनको शून्य समूह के नाम से 8वें समूह के आगे स्थान दिया गया, क्योंकि इनकी संयोजकता शून्य होती है, ये निष्क्रिय होती हैं, ये परमाण्विक अवस्था में ही रहती हैं, इसलिए अलग से 8वें के बाद शून्य समूह नाम देकर इनको इस आवर्त सारणी में रखा गया। और जो आवर्त हैं, जो आड़ी लाइनें हैं, जो आवर्त हैं उनकी संख्या 6 थी मेंडलीव के समय में, और इस प्रकार से ये खड़ी और आड़ी लाइनें अर्थात समूह और आवर्त के रूप में मेंडलीव ने इसका वर्गीकरण किया, और परमाणुओं को विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को उनके बढ़ते क्रम में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया। और ये एक बहुत सफल प्रयास था कि परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर तत्वों के गुणों को जोड़ करके उनकी अध्ययन करना। बच्चों ये बहुत उपयोगी हुई, इसके आधार पर नए तत्वों की खोज में बहुत सहायता मिली। कुछ तत्वों की मेंडलीव ने भविष्यवाणी की थी कि आगामी वर्षों में इस प्रकार के तत्वों की खोज होगी और इन तत्वों का ये स्थान होगा। बाद में उन तत्वों की खोज हुई, अध्ययन में सहायक रही ये हमें, किसी भी उपसमूह के एक तत्व का अध्ययन करने से उस उपसमूह के सभी तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी मिल जाती थी। परंतु इसकी कई बिंदुओं को लेकर आलोचना हुई। का स्थान हाइड्रोजन प्रथम समूह उपसमूह ए के 4 धातुओं के साथ भी समानता रखता है, और समूह 7 के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो उपसमूह ए है उनके गुणों के साथ भी समानता रखता है, तो इसलिए इसको समूह 1A में रखा जाए या 7A में रखा जाए, ये एक विषय चर्चा का रहा। दूसरा, यहाँ पर समूह जो 8 है उसमें 3-3 तत्वों को एक साथ रखा गया है, समूहों में असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। जैसे प्रथम समूह की यदि हम चर्चा करें, जो 4 धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जो कि सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, जिनको हम हवा में नहीं रख सकते हैं, तुरंत क्रिया कर लेती हैं, जल में डालने पर तुरंत जल जाती हैं और हाइड्रोक्साइड बना लेती हैं, इन्हीं में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, CU, AG और AU जो कि मुद्रा धातुएं हैं, इनको रखा गया। अर्थात
असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया। इस प्रकार से आलोचनाओं के उपरांत पुनः वैज्ञानिकों ने नवीन प्रयास किए और यह पाया कि परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर वास्तव में जो परमाणु क्रमांक है वह है किसी भी परमाणु का मूलभूत गुण है और तत्वों के गुणों की निर्भरता परमाणु के क्रमांक पर अधिक निर्भर करती है ना कि परमाणु द्रव्यमान पर। और मोजले ने सन 1903 में एक नियम दिया जिसे बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम सन 1903 में मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया और इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम के नाम से सन 1903 में मोजले ने दिया, अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में जमाएं, तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यह आधुनिक आवर्त नियम दिया गया और इसी के आधार पर फिर आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की गई। यहां पर आवर्ती फलन का आशय पुनः हम एक बार समझ लें। आवर्ती जहां शब्द आता है इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक, अर्थात किसी चीज का बार बार आना। यहां पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद तत्वों के समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति को आवर्ती के रूप में लिया है। आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है यदि हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। आवर्ती फलन का यह आशय है। तो मोजले ने जो नियम दिया उसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बच्चों यहाँ पर हम आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा करते हैं जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक के पेज क्रमांक 96 पर दी गई है और यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर भी ये डिस्प्ले हो रही है। यह आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें खड़ी और आड़ी लाइनें, यहाँ पर खड़ी लाइनें जो कि समूह कहलाती हैं और आड़ी लाइनें जो कि आवर्त कहलाती हैं। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि खड़ी जो लाइनें हैं वो 1 से लेकर के 18 तक खड़ी लाइनें यहाँ पे प्रदर्शित हो रही हैं। इन खड़ी लाइनों को नाम दिया गया वर्ग या ग्रुप या समूह और समूहों की कुल संख्या 18, क्रमांक 1 से 18 तक। 0 ग्रुप के नाम से कोई ग्रुप नहीं है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 0 ग्रुप था उसको 18वें ग्रुप के रूप में नामांकित करते हुए निष्क्रिय गैस हैं हीलियम, नियॉन, अर्गान, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, इनको वहां पर रखा गया है। तो इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में समूह ए और बी को हटा करके सीधे 1 से लेकर के 18 तक समूहों में वर्गीकृत किया गया है और जो आड़ी लाइनें हैं जिन्हें आवर्त नाम दिया गया इनकी संख्या 7 है, समूह 1 से लेकर के 7 तक। तो कुल आवर्तों की संख्या 7 और कुल समूहों की संख्या 18 और ये आवर्त सारणी पूर्णतः परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। इलेक्ट्रॉनों के अंतिम कोश में जो वितरण है, परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है और प्रत्येक समूह में बिल्कुल समान गुण वाले तत्वों को रखा गया है। यदि हम किसी भी समूह के एक तत्व का यदि हम अध्ययन कर लें तो हमें उस समूह के सारे तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है।
बच्चों आप अपनी पाठ्यपुस्तक के पेज क्रमांक 96 पर इस सारणी को जहां आवश्यकता लगे वहां पर देखिएगा। अब हम कुछ आधुनिक आवर्त सारणी की स्थिति की चर्चा करते हैं। तत्वों की स्थिति क्या है, जैसा मैंने अभी बताया, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो हैं, खड़ी लाइनें, समूह कहा गया जिन्हें, इनकी संख्या कुल 18 और समूह क्रमांक 1 से लेकर के 18 तक। तो कुल तत्वों को समूह 1 से लेकर के 18 तक वर्गीकृत किया गया और यहां पर एक विचारणीय प्रश्न यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक समूह के तत्वों के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे चलने पर कोष की संख्या में एक वृद्धि होती है, परंतु अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, क्योंकि अंतिम कोष में उपस्थित परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण इनके गुणों में हमें समानता दिखाई देती है। इनके गुण समान हैं, प्रत्येक समूह में जो तत्व रहे हैं उनके गुण समान हैं। यहाँ हम समूह एक के उदाहरण से इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे समूह एक, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं समूह एक जिसको कि क्षार धातुओं कहा जाता है, क्षार धातुओं का समूह। यहाँ पर हाइड्रोजन संकेत एच परमाणु क्रमांक एक और इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो है एक, अर्थात हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और प्रथम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से लिथियम में परमाणु क्रमांक 3, 2 और 1, अर्थात पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, प्रथम कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम में परमाणु क्रमांक 19, 2, 8, 8 और 1। रुबिडियम संकेत RB, परमाणु क्रमांक 37, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2, 8, 18, 8, 1। सीजियम में परमाणु क्रमांक 55, इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2, 8, 18, 8 और 1। बच्चों यहाँ पर एक चीज हमें दिखाई दे रही है जो एक समान है, वो है अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन का होना। प्रत्येक समूह में जिस प्रकार से कि क्षार धातुओं के समूह में अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है, इसी कारण क्षार धातुओं की जो संयोजकता है वह एक है। बिल्कुल इसी प्रकार हम किसी भी समूह के यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर विचार करें, उसको लिख करके देखें, तो उसके अंतिम कोष में, उस तत्व के परमाणु के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। समूह एक के बाद यदि हम दो पे जाएं, क्षारीय मृदा धातुओं के ऊपर, तो वहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में वहां पर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से यदि हम निरंतर बढ़ते जाएं, तो वहां पर अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रत्येक समूह में समान है और बच्चों इसीलिए इनके गुण समान हैं, क्योंकि किसी भी तत्व के रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। अब हम कुछ चीजें यहाँ पर आवर्त के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आवर्त या पीरियड्स बोलते हैं इनको हम, जो आड़ी लाइनें हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इनको हम आवर्त बोलते हैं और आवर्तों की संख्या कुल 7 है। आवर्त 1 से लेकर के 7 तक जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, वो आवर्त कहलाती हैं। आवर्तों की कुल संख्या 7 है और पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं,
दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियोन। इसी प्रकार से तीसरे आवर्त में यदि हम देखें पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। तीसरे आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इस प्रकार से दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व हैं। इस तरीके से इन आवर्तों में तत्वों को रखा गया है। तो बच्चों तत्वों की कुल संख्या जो अभी तक ज्ञात है 108 और समूहों की संख्या 1 से लेकर के 18 और आवर्तों की संख्या 1 से लेकर के 7। इस प्रकार से खड़ी और आड़ी लाइनों की जो टेबल बन जाती है और उसके अंतर्गत जो ब्लॉक्स बनते हैं उनमें तत्वों की अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर तत्वों को जमाया गया है। आवर्तों की कुछ और विशेषताएं हम समझते हैं। छठवें और सातवें आवर्त में 32-32 तत्व हैं। प्रत्येक आवर्त के प्रारंभ होने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। बच्चों जैसे ही हम पहले आवर्त से दूसरे आवर्त के ऊपर आते हैं अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम पहले आवर्त में है, फिर दूसरे में जैसे ही हम लिथियम के ऊपर आते हैं वैसे ही दूसरा कोष शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम में केवल पहला कोष है, जैसे ही हम लिथियम के ऊपर आए वैसे ही दूसरा कोष जुड़ गया, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। हम निरंतर चलें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसके उपरांत जैसे ही हम तीसरे आवर्त के ऊपर आते हैं सोडियम के ऊपर परमाणु क्रमांक 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1, अर्थात तीसरे आवर्त में आते ही कोष में 1 की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से 1 से लेकर 7 तक के जो आवर्त हैं वास्तव में उनकी संख्या उनमें उपस्थित कुल कोषों की संख्या को हमें प्रदर्शित करती है। जैसे आवर्त 1 है तो उसमें केवल 1 कोष है, यदि आवर्त 2 की बात करें तो उन तत्वों में 2 कोष होते हैं, यदि हम आवर्त 3 की बात करें सोडियम मैग्नीशियम वाले आवर्त की तो उनके अंदर 3 कोष होते हैं, यदि हम पोटेशियम कैल्शियम के आवर्त की बात करें तो उसके अंदर 4 कोष होते हैं। इस प्रकार से आवर्तों की जो संख्या है वास्तव में उस तत्व के परमाणु के कोषों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर यह समझ लेना भी आवश्यक है कि समूह में दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे चलने पर इनके गुणों में भी तत्वों के गुणों में भी परिवर्तन होता है। हम कुछ गुणों के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला जो गुण है वो है संयोजकता। विद्यार्थियों तत्वों की संयोजकता परमाणु के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रत्येक समूह के तत्वों की तत्व की संयोजकता किसी परमाणु के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है उसको हम संयोजकता कोष बोलते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। और प्रत्येक समूह के की संयोजकता जो है वो समान होती है। जो तत्व हैं किसी भी समूह में उनकी संयोजकता समान होती है। हम यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ समूहों की चर्चा करते हैं। जैसे समूह 17 जो हैलोजन तत्व हैं फ्लोरीन संकेत F, क्लोरीन संकेत Cl, ब्रोमीन संकेत Br और इनके परमाणुओं के जो क्रमांक हैं वो हैं परमाणु क्रमांक 9 फ्लोरीन, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, ब्रोमीन परमाणु क्रमांक 35 और इनके इलेक्ट्रॉनों का विन्यास यदि हम देखें विन्यास का आशय है प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये विभिन्न कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों
कि जो संख्या जब हम क्रम से लिखते हैं तो इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 है, प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता 1 है। क्लोरीन संकेत Cl परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 और संयोजकता है 1। ब्रोमीन संकेत Br परमाणु क्रमांक 35, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 7 और संयोजकता 1। अर्थात किसी भी समूह के तत्वों की संयोजकता समान होती है। यहाँ पर जो समूह 17 है हैलोजन तत्व, जिनकी संयोजकता 1 है। यदि हम समूह 2 की बात करें, जैसे हमने यहाँ पर प्रथम तत्व बेरिलियम लिया है परमाणु क्रमांक 4 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 2, अर्थात पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता 2 है। बेरिलियम के ठीक नीचे जो तत्व स्थित है वह है मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 और इसकी संयोजकता भी 2 है। यदि हम किसी भी समूह में, यदि हम मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की भी जो संयोजकता है वो 2 है। बच्चों किसी भी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है और समूह 1 के जो तत्व हैं, समूह 2 के तत्व हैं, ये क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं और जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं वैसे वैसे धात्विक लक्षणों में कमी और अधात्विक लक्षणों में वृद्धि होती जाती है। एक दूसरा जो गुण है वह है परमाणु आकार। परमाणु आकार या एटॉमिक साइज और इसे एटॉमिक रेडियाई या परमाणु द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। बच्चों जैसा आप सभी जानते हैं परमाणु के केंद्र के अंदर धनावेशित नाभिक होता है जिसके अंदर समस्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जब हम परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो उस केंद्र से, यहाँ पर चित्र बनाकर मैंने समझाने का प्रयास किया है, ये परमाणु का केंद्र है, परमाणु का नाभिक है और ये उसका अंतिम कोश है जो एक स्फेरिकल घेरा हमने बनाया है। केंद्र से अंतिम कोश के बीच की जो दूरी है इसे परमाणु त्रिज्या कहा गया है। इसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियाई या परमाणु त्रिज्या। तो किसी परमाणु के केंद्र से उसके अंतिम कोश के बीच की जो दूरी है वह परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आवर्त सारणी के द्वारा हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती है? आवर्त सारणी में किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से घटती या बढ़ती है इसकी समझ भी हमें आना ही चाहिए और इसकी कुछ मूलभूत बातें हम चर्चा करते हैं। जैसे समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि प्रत्येक तत्व में एक कोश की वृद्धि होती जाती है। बच्चों जैसा मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक आवर्त की जो संख्या है वह उसके कोश की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे आवर्त 1 में हाइड्रोजन हीलियम तो उसके अंदर एक ही कोश है, आवर्त 2 में लिथियम बेरिलियम से लेकर के नियॉन तक तो उसके अंदर 2 कोश हैं, आवर्त 3 में सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम तो उसके अंदर 3 कोश हैं। अर्थात ऊपर से नीचे चलने पर प्रत्येक आवर्त नीचे आने पर एक एक कोश की वृद्धि होती जाती है, अर्थात ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। ये एक सामान्य ट्रेंड है कि किसी भी हम समूह में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या
का जो मान है वह बढ़ता जाता है। इसके अतिरिक्त हम यदि आवर्त में बाएं से दाएं चलें, आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं चलें तो भार घटता है, क्योंकि कोश में कोई परिवर्तन नहीं होता परंतु नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती जाती है। इसको हम इस प्रकार से समझें कि जैसे लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ही प्रोटॉन होते हैं, और लिथियम से चलते हुए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। जब हम नियॉन के ऊपर आते हैं तो परमाणु क्रमांक 10, प्रोटॉनों की संख्या 10 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 है, परंतु कोश की संख्या 2 ही है। अर्थात किसी भी आवर्त में हम बाएं से दाएं जब चलते हैं तो कोश की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता परंतु नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती जाती है, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है अर्थात नाभिक का धन आवेश जब बढ़ता है तो अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आकर्षण बल धन आवेश का अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं वैसे वैसे परमाणु का जो आकार है वह छोटा होता जाता है, क्योंकि कोश की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता परंतु उसके जो नाभिकीय आवेश है उसकी संख्या में वृद्धि होती जाती है। इसीलिए आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार घटता है और समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर कोश की संख्या में वृद्धि हो जाती है। हम एक उदाहरण के द्वारा भी इसको देखेंगे। बच्चों यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने समूह एक लिया है, समूह एक क्षार धातुएं। यहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से समूह में पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। हमने समूह एक लिया है, यहां पर समूह एक की क्षार धातुएं हैं। प्रथम तत्व जो है समूह एक में हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, लिथियम परमाणु क्रमांक 3, सोडियम परमाणु क्रमांक 11, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19। अब मैंने यहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक स्केच के रूप में लिख करके बनाने का प्रयास किया है। यहां पर जो धन दिखाई दे रहा है, एक गोले के अंदर जो धन दिखाई दे रहा है यह इन परमाणुओं के नाभिक को प्रदर्शित करता है। ये जो धन है ये परमाणुओं के नाभिक को प्रदर्शित करता है, और ये जो रेखाएं जो कर्व हैं, ये जो रेखाएं हैं पहला कोश दूसरा कोश, पहला दूसरा कोश, पहला दूसरा तीसरा कोश, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोश, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं ये एक स्फीयर की एक छोटे से हिस्से को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो हाइड्रोजन में एक ही कोश होता है, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हम हाइड्रोजन से प्रथम आवर्त से दूसरे आवर्त में आते हैं, प्रथम आवर्त से जैसे ही हम ऊपर नीचे आए वैसे ही परमाणु क्रमांक 3 हो गया और एक कोश की संख्या में वृद्धि हो गई। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, कोश की संख्या 1 बढ़ गई, इसलिए समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु के आकार में भी वृद्धि हो गई। हम जब लिथियम के बाद फिर से एक और नीचे आते हैं स्टेप, तो सोडियम तत्व है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, और यदि हम इसका आरेख बनाएं तो यह धनावेशित नाभिक है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। हम सोडियम से भी और नीचे चलें तो पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 धनावेशित नाभिक है, और प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहां पर यदि हम ऊपर से नीचे देखें, एक कोश दो कोश हो गए यहां पर बढ़ करके, सोडियम में 3 कोश हो गए बढ़ करके, पोटेशियम में 4 कोश हो गए। इस प्रकार से जब हम किसी भी समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो एक परमाणु नीचे आने पर, एक तत्व नीचे आने पर कोश की संख्या 1 बढ़ती जाती है, और इसी कारण से कोश की संख्या में वृद्धि होने के कारण ही जो एटॉमिक रेडियाई या परमाणु त्रिज्या
या परमाणु आकार जिसे हम कहें वह बढ़ता जाता है। तो इस पूरे डिस्कशन से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु नीचे आने पर, प्रत्येक तत्व के परमाणु के नीचे आने पर एक एक कोष की वृद्धि होती जाती है। बच्चों इसी प्रकार से यदि हम आवर्त के ऊपर भी चर्चा करें, जैसे यह जो हमारा आवर्त है लिथियम वाला आवर्त, आवर्त दो है, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या परिवर्तन होगा परमाणु त्रिज्या में, यहां हम इसको देख सकते हैं। परमाणु क्रमांक 3, परमाणु क्रमांक 4, 5 और 6, केवल हमने 4 तत्व ही लिए हैं यहां पर समझाने के लिए। आवर्त 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, इनमें परमाणु क्रमांक क्रमशः 3, 4, 5 और 6 हैं। अर्थात यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, पहले कोष में 2, दूसरे में 1, फिर बेरिलियम में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरान में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहां समझने की बात यह है, ना केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, परंतु इसके साथ साथ इस धन आवेशित नाभिक में भी प्रोटॉनों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती है। यदि हम लिथियम के ऊपर विचार करें तो लिथियम के नाभिक में केवल 3 प्रोटॉन हैं, बेरिलियम के नाभिक में 4 प्रोटॉन हैं, बोरान के नाभिक में 5 प्रोटॉन हैं, कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं, अर्थात 6 प्रोटॉनों का धन आवेश है। 6 प्रोटॉनों का धन आवेश दूसरे कोष के ऊपर इलेक्ट्रॉनों पर अधिक आकर्षण प्रदान करेगा और इसीलिए इसका जो आकार है वो घट जाएगा। लिथियम की तुलना में जहां पर कि 3 प्रोटॉनों का आकर्षण बल है दूसरे कोष के ऊपर, जो कम रहेगा, और कार्बन में दूसरे कोष के ऊपर 6 प्रोटॉनों का आकर्षण बल है। इस प्रकार यदि हम अंतिम छोर तक संख्या बढ़ने से और कोष में कोई परिवर्तन ना होने से, कोष में कोई वृद्धि नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में प्रवेश करेंगे, परंतु नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी, और इसी कारण से जैसे जैसे हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे, परमाणु का जो आकार है, परमाणु की जो त्रिज्या है वो घट जाएगी, क्योंकि कोष में परिवर्तन नहीं होगा परंतु नाभिकीय जो आवेश है उसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ दो चीज निकल करके आती हैं कि समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है क्योंकि कोष की संख्या में वृद्धि होती है, और आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर कोष की संख्या अपरिवर्तित रहती है, परंतु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, धन आवेश की संख्या में वृद्धि होने के कारण, नाभिक के आकर्षण में वृद्धि होने के कारण परमाणु आकार घटता है। अब हम कुछ एक और जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, धात्विक एवं अधात्विक गुण, इनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसकी चर्चा करते हैं। समूह में ऊपर से यदि हम नीचे चलते हैं तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। बच्चों इस चीज को समझ लें कि धात्विक गुण वह गुण है जिसमें तत्व की इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो क्षमता है वह बढ़ती है। जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आयन बना लेता है वह तत्व उतना ही अच्छा धात्विक तत्व या धात्विक गुणों को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी समूह में यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार के बढ़ने के कारण उसके अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉनों का निकालना आसान हो जाता है और इसी कारण से धात्विक गुणों में वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की जो प्रवृत्ति है किसी भी तत्व की वह बढ़ जाती है, इसीलिए समूह में ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। यदि हम आवर्त के रिस्पेक्ट में बात करें, तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुणों में कमी होती है और अधात्विक गुणों में वृद्धि हो जाती है।
हम आवर्त सारणी को यदि देखें तो समूह आवर्त दो में हम देखें लिथियम बेरिलियम जो कि धातुएं हैं, लिथियम क्षार धातु, बेरिलियम क्षारीय मृदा धातु। यहां से शुरू करके जब हम आगे बढ़ते हैं बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो लिथियम बेरिलियम धातुएं हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की तरफ हम चलें तो ये अधातुएं हैं, अर्थात बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुणों में कमी आती है और अधात्विक गुणों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि धन आयन बनाने की जो परमाणु की क्षमता है वह कम हो जाती है और ऋण आयन बनाने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है, और अधात्विक जो परमाणु है जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इन सब की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाना। तो दो चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी है कि धातुओं का मूलभूत गुण है इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाना, अधातुओं का मूलभूत गुण है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम किसी भी आवर्त के प्रथम तत्व से शुरू करें तो वह प्रबल धातुएं हैं, और जब हम समाप्ति की ओर आते हैं तो वहां पर हमें अधात्विक तत्व मिलते हैं। इस उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे द्वितीय आवर्त को ले लें हम, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन। यहां पर लिथियम और बेरिलियम ये धात्विक तत्व हैं, लिथियम क्षार धातु है, बेरिलियम क्षारीय मृदा धातु है, अर्थात यह मिट्टी में पाई जाती है, और आगे बढ़ते हैं जब हम तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये अधातुएं हैं। ऑक्सीजन ऋण आयन बनाती है, ऑक्साइड यौगिक बनाती है, फ्लोरीन ऋण आयन बनाती है, क्योंकि बाएं से परमाणु के नाभिक में धन आवेश की वृद्धि होने से धन आयन बनाने की प्रवृत्ति में कमी और ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, इसीलिए धात्विक गुणों में कमी और अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। बच्चों आज हमने आवर्त सारणी के बारे में चर्चा की, आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है, कितने समूह हैं, कितने आवर्त हैं, और इसके द्वारा जो इसके आवर्तिक जो गुण हैं, संयोजकता, परमाणु त्रिज्या, धात्विक गुण, इनमें बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे चलने पर क्या परिवर्तन होता है, इसको समझने का प्रयास किया। आपके कोई भी जिज्ञासा हो तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, कृपया पूछें। सांची से बच्चे बैठे हैं, कुछ पूछना चाहें, किसी भी विद्यालय से यदि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है इस अध्याय से संबंधित तो कृपया पूछें।